नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। देश में अगर सबसे पहले किसी को नेताजी की उपाधि मिली थी तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, आज के ही दिन यानी 23 जनवरी 1893 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। एक पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी और नायक के तौर पर उनकी शख्सियत को लेकर हर कोई परिचित है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूप हैं उनके जो हम आपको बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक पक्ष अगर राजनीति और आजादी की लड़ाई थी तो दूसरा पक्ष आध्यात्मिकता थी। वो हर हाल वो रोज योग साधना करते थे। उनका जीवन किशोरा वैसे आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित था। यहाँ तक जब वो आजाद हिंद फौज की स्थापना के दौरान जापान में थे तब भी रोजाना अपने कमरे में योग साधना जरूर करते थे। तब वो एकांत में रहना पसंद करते थे। हालांकि वो हमेशा लोगों के बीच होते थे, लेकिन रात में जैसे ही एकांत मिलता वो ध्यान साधना में लीन हो जाते थे। सुभाष चंद्र बोस हमेशा साथ जिन चीजों को रखते थे उसमें भगवत गीता भी थी, जिसे वो रोज पढ़ते थे। इससे उन्हें शांति और शक्ति मिलती थी। उसी के अनुरूप वो काम करना पसंद भी करते थे। एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी समाजवादी झुकाव के साथ बोस ने गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को नहीं माना। हालांकि उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान जरूर दिया। जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर चले गए और आजाद हिंद फौज या भारतीय सेना का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉडल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन भी करेंगे और प्रस्तावित स्मारक रॉस द्वीप में स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि इसमें एक संग्रहालय, एक केबल कार रोपवे, एक लेजर एंड साउंड शो और विरासत से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक इमारतें प्रदर्शित की जाएंगी और बच्चों के लिए एक थीम आधारित पार्क भी होगा। बता दें, प्रधानमंत्री ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने के बाद देश को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के एक समारोह में भी शामिल होंगे। बता दें कि नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराएंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को यहां जिमखाना मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और शाह आज उसी स्थान पर झंडा फहराएंगे और इस मैदान का नाम अब नेताजी स्टेडियम है। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस